नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, जो मैच नंबर 16 खेला जाएगा, जो मैच नंबर 16 खेला जाएगा, जहां पे एक तरफ होगी पाकिस्तान वुमेन्स की टीम और दूसरी तरफ होगी वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम। और ये मैच खेला जाएगा शाम को 6:30 बजे। और जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेलने के लिए उतरेगी, तो कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी की टीम, कौन से प्लेयर्स आपकी फैंटेसी में होने चाहिए, किनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, किन पे चांस ले सकते हैं, गेम चेंजर, सब कुछ आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी सेकंड स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज आप सबसे पहले देख सके। सो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जरूर से कर लीजिएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जी हां, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। मैच के बाद जो भी टॉस के बाद जो भी फर्दर अपडेट्स आती है, पिच से रिलेटेड, प्लेइंग 11 से रिलेटेड, प्लेयर से रिलेटेड, वो सारी आपको यहां पर फ्री में मिल जाएगी। वेन्यू बॉलैंड पार्क पारल में ये मैच खेला जाएगा। जी हाँ, बॉलैंड पार्क में मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट को लेके बात करें, आप ऐसा बोल सकते हो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैट्समैन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बैट्समैन में इंपैक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो लास्ट 3 मैचेस खेले गए हैं वहां पे जब आप स्कोरिंग देखोगे, जो कि मैं आपको क्लियर करूंगा, तो वहां पे आपको कम स्कोरिंग भी दिखेगी और ज्यादा स्कोरिंग भी दिखेगी, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहां पे मुझे लग रहा है कि वैसे भी जो स्पिनर्स है वो अच्छा करते हैं वुमेन्स क्रिकेट में, तो ज्यादा से ज्यादा आप वुमेन्स क्रिकेट में आप है वो स्पिनर्स को ट्राई कर सकते हो। एंड होप आप इस मैच में भी है वो स्पिनर्स को ट्राई कर सकते हो। बाकी देखिए, टोटल 7 मैचेस खेले गए, 4 फर्स्ट बैटिंग ने, 3 चार्जिंग करने वाली ने, 142 का एवरेज स्कोर है। यहां पे देखोगे तो 150 से नीचे की स्कोरिंग 6 मरतबा, जी हाँ, मैक्सिमम जो स्कोरिंग हुई है वो 150 से नीचे की हुई है। उसके साथ साथ देखोगे मतलब 7 में से एक बार मैच में वो 157 से बने, वो भी किसने बनाए, जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने, जो कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा था। ये लास्ट के 3 मैचेस इसी सीजन के, ये 13 फेब का मैच है, साउथ अफ्रीकन वुमेन 132 की और न्यूजीलैंड केवल 67 रन पे ऑल आउट हो गया। पेसर्स को 6, स्पिनर्स के नंबर आपको यहां पे दिखेंगे। यहां पे 13 फेब को एक मैच था, आयरलैंड ने 105 किए, इंग्लैंड वुमेन ने चेस कर लिया। पेसर्स को 4, यहां पे देखिए स्पिनर्स को 11, यहां पे देखोगे 11 फेब को ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने 173 के, न्यूजीलैंड वुमेन 76 रन ही बना पाई, पेसर्स को 9 और स्पिनर्स को 8 विकेट मिली। अब देखोगे तो यहां पे ऑस्ट्रेलियन वुमेन खेली, 173 चला गया, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम, आप किसी भी टीम से कंपेयर करोगे, ऑस्ट्रेलियन टीम काफी सॉलिड टीम है वुमेन्स की और वो स्कोरिंग अच्छी खासी करती है। उसके अलावा देखोगे यहां चेज नहीं हुआ, दिक्कतें हुई, यहां देखिए इंग्लैंड चेज कर रही थी आयरलैंड के अगेंस्ट, तो सीधी सी बात है वो चेज होना ही था, लेकिन यहां पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन को चेज कर रही थी, यहां पे भी नहीं हुआ। मैक्सिमम जो विकेट्स यहां पे गिरी ना, चेजिंग करते हुए सेकंड इनिंग्स में यहां ज्यादा विकेट गिरी, सेकंड इनिंग्स में यहां ज्यादा विकेट गिरी, लेकिन ये आप इंग्लैंड वुमेन्स प्लस आयरलैंड आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते हो। इस मैच को इन दोनों से कंपेयर आप कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज यहां आयरलैंड वुमेन्स थी मेरे भाई, लेकिन आयरलैंड वुमेन्स ने भी अच्छा खासा 105 रन है वो बना दिए। इसके साथ साथ देखोगे 16 विकेट्स 19 विकेट, तो भाई विकेट्स देखिए 16 16 19, तो ये रेशियो बहुत आ रहा है, इसका मतलब ऑलराउंडर प्लस बॉलर्स, जी हां, ऑलराउंडर प्लस बॉलर्स, फोकस करना है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ये देखिएगा लास्ट के हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं हम लोग। यहां पे देखोगे तो यहां पे वेस्ट इंडीज वुमेन जीता, यहां पे देखोगे यहां पे भी वेस्ट इंडीज वुमेन जीता, यहां पे देखोगे यहां पे भी वेस्ट इंडीज वुमेन जीता है 2021 2022 2021। तो यार पाकिस्तान वुमेन्स को वेस्ट इंडीज ने बीट किया है, लास्ट के 3 मैचेस आप लोग देख सकते हो, अच्छा किया है वेस्ट इंडीज वुमेन ने। कुछ कॉमन जो प्लेयर्स जानते हैं, मुनीबा अली 18, यहां पे जवारिया खान फ्लॉप थी, निंदा दार एवरेज मान सकते हो, डियाना बैक को 2 विकेट मिले, मैथ्यूज है 1+1, सफाइन टेलर ने 43+4 विकेट, नेशन फ्लॉप रही थी, कनेल ने 2 विकेट निकाले।
यहां पे देखोगे मैथ्यूज, एवरेज, टेलर फ्लॉप रही थी, नेशन फ्लॉप थी, जेवेरिया खान फ्लॉप, निंदा दास अच्छा, फातिमा सना को 2 विकेट और बैक फ्लॉप रही थी। यहां पे भी मैथ्यूज, यहां पे टेलर फ्लॉप रही थी, नेशन 14, कॉनेल ने 3 विकेट निकाले, एलएन 2 विकेट जिनके लास्ट मैच में इनके ओवर्स कटे थे, केवल 1 ओवर इनको मिला था। यहां पे देखना मुनीबा फ्लोप थी, डियाना बैग 1 विकेट, एप सना को 2 विकेट, निंदा दार को 2 विकेट, संधू को 1 विकेट मिली। एप सना जिनके ओवर्स कटे हैं लास्ट के कुछ मैचेस में, सिलेक्शन आपको कम दिखेगा बट इंपोर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। एप सना ने यहां पे भी विकेट निकाली है, यहां पे देखोगे यहां पे भी फातिमा सना ने विकेट निकाली है। यहां पे शायद आपको नाम नहीं दिखेगा बट इन दोनों मैचेस में एप सना ने है वो काफी अच्छा किया है, सिलेक्शन आपको कम दिखेगा। पाकिस्तान वुमेन्स की प्लेइंग 11 में मुनीबा अली है, विकेट कीपिंग करती है, जवेरिया खान थोड़ी सी फ्लॉप दिखी, विस्मा मारूफ है, निंदा दार है, और उसके बाद देखोगे आयशा नशीम, आलिया रियाज है, आयमा अनवर है, फातिमा सना है, सदा इकबाल है, तोबा हसन है, नशारा संधू है। अब देखिए बॉलिंग ऑप्शंस देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, यानी कि केवल 7 बॉलिंग ऑप्शंस है, मतलब 2-3 ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अपने पूरे ओवर नहीं करेंगे। अब देखिए एक तो मुझे लग रहा है संधू अपने 4 ओवर डाल जाएगी, उसके अलावा मुझे लग रहा है कि यहां पे जो निंदा दार है वो अपने 4 ओवर डाल जाएगी, उसके अलावा फातिमा सना लास्ट मैच में इनको केवल 2 ही ओवर मिले, लेकिन यहां पे मुझे लग रहा है कि 4 ओवर इनके होने चाहिए। बाकी ध्यान में रखना यहां पे तौबा हसन लेग स्पिन करती है, सादिया इकबाल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करती है, और वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम को जब आप लोग देखोगे तो आपको टॉप के 6 है ना वहां पे मे बी 6 और 5 भी हो सकते हैं आपको राइट हैंड बैट्समैन मिलेंगे। तो राइट हैंड बैट्समैन प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस लेग स्पिन प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा। तो कंडीशंस मुझे लग रहा है कि इन दोनों के ओवर्स अच्छे खासे होने चाहिए, ध्यान में रखना। गेम चेंजर ऑप्शन में ये चीज आपके लिए आएगी। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, सबसे पहले मुनीबा अली आती है, वेन्यू पे नहीं है, 4 मैच 16 का एवरेज, हेड टू हेड में रिसेंट फॉर्म देख सकते हो अच्छा, और विकेट कीपिंग में आपको ये मिलेगी तो मुझे लग रहा है लेके जाना चाहिए। यहां पे जवेरिया खान देखोगे वेन्यू पे नहीं है, 9 मैच 13 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो उतना खास नहीं है, हेड टू हेड में भी फंसी है, लेना चाहो चेजिंग के दौरान ले सकते हो, बाकी अगर आप ड्रॉप कर सकते हो। मारूफ है वेन्यू पे नहीं है, 8 मैच 29 का एवरेज, हेड टू हेड रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, एवरेज परफॉर्म किया है मारूफ ने, बट इनके पास वो एक्सपीरियंस है, दैट्स वाइज मुझे लग रहा है जाना चाहिए। निंदा दार बेस्ट कैप्टन चॉइसेस में आ सकती है, वेन्यू पे नहीं है, 11 मैच 28 का एवरेज, 9 विकेट है, 33+2 यहां थोड़ी फ्लॉप थी, 5+2 8+1 26+1 तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है। तो निंदा दार अगर आप चाहो तो इनको कैप्टनसी दे सकते हो, वैसे तो मैक्सिमम लोग है वो मैथ्यूज की तरफ जाएंगे बट आप थोड़ा अलग कर सकते हो। आयशा निशीम है वेन्यू पे नहीं है, 2 मैच 53 रन, हेड टू हेड रिसेंट फॉर्म देख सकते हो। देखिए रिसेंट फॉर्म देखोगे आपको थोड़े से नॉट आउट नंबर भी दिखेंगे, नंबर्स भी आपको एक ऊपर दिखेगा एक नीचे दिखेगा, लेकिन जो ऊपर वाला दिख रहा है वहां पे भी नॉट आउट दिखिए, तो आप ये बोल सकते हो कि इंपैक्ट है। आपको स्मॉल लीग में आयशा निशीम ज्यादा मिलेगी नहीं बट आप जब ग्रैंड लीग खेलते हो तो कम से कम 2 टीमों में आप क्या कर सकते हो, आयशा नशीम को अपनी टीम में ले सकते हो। बाकी आलिया रियाज वेन्यू पे नहीं है, 9 मैच 19 का एवरेज, 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म देखोगे वो भी खास नहीं है, ज्यादा ओवर ये डालती नहीं है, जी हां 1 से 2 ओवर शायद इनको मिल जाए बट ज्यादा ओवर ये डालती नहीं है। आयमा अनवर वेन्यू पे नहीं है, 4 मैच में 4 विकेट, रिसेंट फॉर्म देखोगे लास्ट के 7 मैचेस में इनको विकेट्स मिला ही नहीं है, और लास्ट मैच में भी इन्होंने केवल 1 ओवर डाला है, लास्ट मैच में भी इन्होंने केवल 1 ही ओवर डाला है, तो मुझे थोड़े रिस्की लगते हैं। फातिमा सना है वेन्यू पे नहीं है, 3 मैच 4 विकेट, हेड टू हेड रिसेंट फॉर्म देखोगे तो फातिमा सना का उतना खास रहा नहीं है, लास्ट मैच में इन्होंने 2 ओवर डाले थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए डिफरेंशियल पिक बनेगी फातिमा सना अगर पाकिस्तान वुमेन्स की टीम पहले बॉलिंग करती है, ध्यान में रखना इस चीज को। सादिया इकबाल है वेन्यू पे नहीं है, हेड टू हेड नहीं है, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करती है, दैट्स वाइज मुझे लग रहा है अगर पाकिस्तान वुमेन्स की टीम पहले बॉलिंग करती है आप इन तीनों के साथ जा सकते हो। जहां पे तौबा हसन है, तौबा हसन का देखोगे रिसेंट फॉर्म खास नहीं है बट लेग स्पिन करती है तो ओवर्स मिलने के चांसेस रहेंगे। वही संधू है मैक्सिमम लोग जाएंगे तो सीधी सी बात है वेन्यू पे नहीं है, 6 मैच 4 विकेट, हेड टू हेड है, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो अच्छा है, लास्ट मैच में 4 विकेट निकाली है, तो संधू बेटर ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करती है, सेम चीज यहां पे सादिया इकबाल करती है, तो ये पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है तो मुझे लग रहा है ये तीनों आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगी।
बाकी बैंड से डियाना बैग अगर खेले तो ध्यान में रखना, सादिया नवाज, उमायमा सोहेल, सिद्धारा आमीन। अब देखिए मैथ्यूज, सॉरी वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11, हाइली मैथ्यूज है, रशाड़ा विलियम्स है, सेरना कैंपबेल है, चाइना हेनरी है, चैनल हेनरी है, सबिका गजनबी, सॉरी आलिया अलेन, त्रिशन होल्डर, अफॉय फ्लेचर, जियाडा जेम्स है, उसके बाद देखोगे शमिला कॉनेल है और यहां पे राम हरक है। अब देखिए राम हरक अपने चार ओवर डाल सकती है, कॉनेल अपने चार ओवर डाल सकती है, उसके अलावा अफॉय फ्लेचर ध्यान में रखना इनके मुझे लग रहा है एक से दो ओवर कट भी सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान वुमेन्स में आपको लेफ्ट हैंडीज भी दिखेंगे, बट अगर मेन बॉलर हुई कि इनके पास ऑप्शंस नहीं बचे देन ये अपने डाल सकती है। उसके अलावा देखोगे यहाँ पे तो चिन्नला हेनरी, ये सॉरी शिन्नल हेनरी है, ये अपने चार ओवर डाल सकती है, ये इंपॉर्टेंट पिक रहेगी आपके लिए सीवीसी के लिए भी, हेनरी ध्यान में रखना इस चीज को, गेम चेंजर में रखेगी। मैथ्यूज एक मैच 42 रन, विकेट नहीं मिला, जो कि इस वेन्यू की है, 9 मैच में 5 विकेट प्लस 13 का एवरेज है, जो कि पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ परफॉर्मेंस देख सकते हो भाई साहब, लगातार अच्छा कर रही है, मैक्सिमम लोग इनको कैप्टनसी देंगे। रशाड़ा विलियम्स वेन्यू ना हेड टू हेड रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, उतना खास नहीं है, अगर जीएल में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी छोड़ सकते हो। कैंपबेल है, सॉरी यहां पे एक मैच 34 रन की है इस वेन्यू पे, 6 मैच में 18 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म देखोगे यहां 34 यहां 30, लास्ट मैच थोड़ा सा फ्लोप रहा, लेकिन यस आप ऐसा बोल सकते हो इंपैक्ट है, परफॉर्म कर सकती है। बाकी हेनरी एक मैच 2 विकेट प्लस 14 रन किए हैं इस वेन्यू पे, पाकिस्तान के अगेंस्ट देखोगे 5 मैच 10 रन प्लस 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म देखना 34 प्लस 0 2 प्लस 1 14 प्लस 0, तो जब आप हेनरी को देखते हो मुझे लग रहा है कि आप अगर आपको एक गेम चेंजर पिक चाहिए, गेम चेंजर देखिए स्मॉल लीग में सबके पास होगी, बट आप ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में इनको कैप्टनसी दे सकते हो, किसको, हेनरी को, ध्यान रखना हेनरी के बारे में। उसके बाद गजनबी एक मैच 2 रन, वेन्यू सेटवेयर नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखना उतना खास नहीं है, ज्यादा गेंदबाजी भी ये करती नहीं है, उतना इंपैक्ट इन्होंने दिखाया नहीं है, सेम चीज यहां पे देखोगे आलिया लैन का, वेन्यू पे नहीं, 4 मैच 3 विकेट प्लस 2 रन 0 प्लस 0, तो यहां पे रिसेंट फॉर्म में देख सकते हो कि उतना इंपैक्ट इनसे दिखा नहीं है अभी तक। यहां पे त्रिशन होल्डर है, वेन्यू पे नहीं खेली, हेड टू हेड नहीं खेली, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो, ज्यादा गेंदबाजी नहीं करती है, 7/21/6/0/2 कुछ खास परफॉर्म नहीं है। अफॉय फ्लेचर लेग स्पिन करती है, एक मैच 1 विकेट है, 7 में 4 विकेट हेड टू हेड में, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाली, यहां पे 1 विकेट निकाली, यहां विकेटलेस, बाकी थोड़ी सी विकेटलेस नंबर है। पाकिस्तान में आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन दिख जाएंगे, वो शायद अफॉय के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे। ज्यादा जेम्स है, एक मैच 0 विकेट है, वेन्यू पे ये सॉरी हेड टू हेड है, ये खेली नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखोगे 2+0 21+0 5+0 तो विकेट नहीं मिल रही है, इसका मतलब ज्यादा गेंदबाजी ये कर नहीं रही है। कॉनेल एक मैच 0 विकेट, 11 में 11 है हेड टू हेड में, परफॉर्मेंस देखोगे ठीक एवरेज बोल सकते हो, बट मैं लेके जाऊंगा, जी हाँ शमिलिया कॉनेल को मैं लेके जाऊंगा। राम हरक है, हेड टू हेड वेन्यू पे नहीं है, एक मैच में 2 विकेट है, जो कि हेड टू हेड पाकिस्तान की अगेंस्ट निकाली है, यहां पे देखोगे अच्छा किया है इन्होंने, यहां पे अच्छा नहीं है लेकिन लास्ट के 2 मैचेस में इन्होंने अच्छा किया है, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं, मे बी मुझे लग रहा है कि आप इनको ऐड कर सकते हो, राम हरक को अपनी फैंटेसी टीम में। बाकी देखोगे सेलमैन है, इनके ओवर्स करते हैं अगर खेले तो, नेशन है, कुछ खास नहीं किया है, टेलर है, अगर टेलर वापसी करती है क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने अच्छा किया हुआ है, ध्यान में रखना इस चीज का। 33 का एवरेज भी है हेड टू हेड में पाकिस्तान के अगेंस्ट और 5 विकेट भी निकाले हैं। बाकी देखोगे प्लेयर्स बैटल में कुछ ज्यादा खास नहीं दिखेगा, बट टेलर टू जावियर खान 2 मर्तबा आउट किया है, मैथ्यूज को जावियर खान ने अच्छा खेला है, ध्यान रखना 73 में 90+1 बार आउट किया हुआ है। कॉनेल ने जावियर खान को 2 बार आउट किया हुआ है। मैथ्यूज ने मुनीबा अली को 2 मर्तबा आउट किया है, ये आप स्ट्रगल बोल सकते हो। उसके अलावा कुछ खास नंबर्स नहीं है यहां पे, ये है टेलर ने मारूफ को है वो 2 मर्तबा आउट कर दिया, उसके अलावा मैथ्यूज ने है वो निंदादार को 2 बार और निंदादार को हेनरी ने भी है वो 2 मर्तबा आउट कर दिया, लेकिन दोनों ही जगह देखोगे तो ठीक है, यहां पे निंदादार ने मैथ्यूज को अच्छा खेला, बट हेनरी के सामने आप ये भी बोल सकते हो कि निंदादार ने स्ट्रगल किया है। बाकी यहां पे देखते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान बॉलर्स, मैथ्यूज प्लस संधू 35 में 72,
दो मर्तबा आउट किया है यहां पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन दिखेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट मैथ्यूज वर्सेस निंदादार ये अच्छा किया है, यहां पे जो मैथ्यूज है वो निंदादार को अच्छी खेली है। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो एफ सना मैथ्यूज है वो दो मर्तबा आउट, तो मैथ्यूज अच्छा खेली है एफ सना को। जो टेलर है उन्होंने भी अच्छा, उन्होंने स्ट्रगल किया है किसके सामने, निंदादार के सामने। यहां पे देखोगे टेलर ने यहां पे जो क्या नाम है संधू को भी अच्छा खेला है। उसके अलावा देखोगे एन संधू कंबेल वर्सेस दो मर्तबा आउट, हां रन्स बने हैं लेकिन दो बार विकेट भी दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके काम आएगा जब आप टीम बनाएंगे। बाकी टीम कैसी होनी चाहिए देखिए, कुछ इस तरीके से मुनीबा अली को रखा, कंबेल को रखा, मारूफ को रखा, इनमें से आप किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। निंदादार मैथ्यूज, हेनरी, तौबा हसन, एस कर्नेल, सफिया इकबाल, यहां पे संधू को रखा है और राम हरक को रखा है। अगर आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप नीचे एक बॉलिंग एडर और ऐड कर सकते हो। जहां पे तीन प्लेयर्स लेने होते हैं वहां पे आप बैटिंग सेक्शन में जो भी ज्यादा सिलेक्शन वाले प्लेयर है उसको आप ले सकते हो, जावियर खान ऐड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।